Welcome to MKGen Classes online platform. As we discuss currently another commercial crop, cotton. Same, it is a kharif crop. Ye kharif crop kharif season ki category mein aata hai cotton. It requires 20 to 35 degrees Celsius of temperature. Sugar cane mein temperature jo chahiye tha wo 40 tha. Cotton mein kam chahiye, that is 35 degrees Celsius tak iski harvesting ki jati hai. And 80 to 150 centimeter rainfall, 200 maximum limit होती है, जबकि rice और sugar cane में चाहिए, but cotton में थोड़ा सा कम चाहिए पानी, rainfall that is 150 centimeter is enough. Soil की बात करें तो lime, potash rich and black soil are suitable. Sugar cane में कचारी soil आ गया, rice में कचारी आ गया, क्योंकि उसमें water holding capacity बहुत ज़्यादा होती है, but कॉटन के अंदर हमें ब्लैक सॉइल बहुत सुटेबल होती है, हमें इसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको कॉटन ग्रो करना है तो. यहाँ पर इंडिया में थ्री टाइप्स ऑफ कॉटन आर ग्रो. नंबर वन, लॉन्ग एंड थीन यार्न कॉटन, जिसको हम अमेरिकन कॉटन और नरमा भी कहते हैं. पूरे इंडिया के अंदर इस कॉटन को 50% तक उगाया जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉटन जो इंडिया के अंदर उगाया जा रहा है वो है लॉन्ग एंड थीन यार्न कॉटन, विच कंट्रीब्यूट 50% इन टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री. सेकेंड है मीडियम लेंथ यार्न कॉटन, इंडिया के अंदर इसको 40% उगाया जाता है. और लास्ट शॉर्ट लेंथ यार्न कॉटन, यहाँ इंडिया में 10% तक इसको उगाया जाता है. मेजर स्टेट्स की अगर बात करूं इंडिया की तो गुजरात नंबर वन पे आता है जहां पर कॉटन ज्यादा उगाया जाता है. सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड आंध्र प्रदेश. आई रिपीट, गुजरात फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन एंड आंध्र प्रदेश ऑन थर्ड पोजीशन. ड्यू टू ह्यूज डिमांड इन द कंट्री, कॉटन की जो डिमांड है वो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है, बट इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम अमेरिका, केन्या एंड इजिप्ट. फिर राजस्थान के अंदर कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावर ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कॉटन उगाया जाता है. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.